Hello friends and welcome back to my YouTube channel. Today's topic of my video is Virginia Woolf, who is the most important and significant modern age writer. Friends, Virginia Woolf pe video do parts mein divide hone wali hai. First part mein inke important works and inke life ke bare mein bataungi and second part mein inke important works ko briefly describe karungi. वर्जीनिया वुल्फ का जन्म 1882 में होता है एंड इनकी डेथ 1941 में होती है. दैट मीन्स इनका लाइफ स्पैन 59 इयर्स का है. शी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20th सेंचुरी नॉवलिस्ट, एसेस्ड, पब्लिशर एंड क्रिटिक. इन्होंने टोटल 9 नॉवल्स लिखी, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी नॉवल्स हैं मिसेस डेलोवे एंड टू द लाइट हाउस. ये इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट नॉवल्स हैं. एसेज थी, काफी सारे इन्होंने एसेज भी लिखे, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसे है इनका अ रूम ऑफ वंस ओन, जो कि एक फेमिनिस्ट एसे है और ये 1929 में पब्लिश हुआ. ये एक पब्लिशर भी थी. इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ एक पब्लिशिंग हाउस खोला जिसका नाम था होगार्थ प्रिंटिंग प्रेस, और ये एक क्रिटिक भी थी. फ्रेंड्स, वर्जीनिया वुल्फ का नाम आते ही सबसे पहले जो टर्म हमारे दिमाग में आती है वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है और उसमें मैंने क्लियरली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बताया है कि ये एक नैरेटिव डिवाइस है जिसमें करेक्टर थॉट प्रोसेस में चलता है. करेक्टर कभी पास्ट में जाता है, कभी फ्यूचर में, कभी प्रेजेंट में, कभी पास्ट में वो चला जाता है, कभी प्रेजेंट में आ जाता है. सो ये एक नैरेटिव डिवाइस एक लीनियर नहीं होती, बल्कि पास्ट प्रेजेंट में ही घूमती रहती है. सो इसमें फ्लो ऑफ थॉट्स होते हैं बेसिकली, जो कि कोहरेंट नहीं होते, जो कि लीनियर नहीं होते. सो वर्जीनिया वुल्फ ने इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को पॉपुलराइज किया. सबसे पहले जो टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की विलियम जेम्स ने दी, और सबसे पहले इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज किया डोरोथी रिचर्डसन ने अपनी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल पिलग्रिमेज में, और इसको पॉपुलराइज किया जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, लॉरेंस टर्न, विलियम फॉकनर, इन सब ने इसको पॉपुलराइज किया. नाउ फ्रेंड्स, वर्जीनिया वुल्फ एक बहुत ही अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी. इनका फैमिली आर्टिस्टिकली इंक्लाइन था शुरू से ही. इनके फादर थे लेस्ली स्टीफन, जो कि एक हिस्टोरियन थे, राइटर थे, एसेस्ट एंड बायोग्राफिकर थे, एज वेल एज ही वाज सन इन लॉ ऑफ विलियम ठाकरे, जो कि विक्टोरियन एज के वेल नोन राइटर थे. वर्जीनिया वुल्फ की सिस्टर थी वेनेसा बेल, जो कि एक रिनाउंड पेंटर भी थी. सो इनका फैमिली आर्टिस्टिकली एंड लिटररी इंक्लाइंड था शुरू से ही, और उनके घर फेमस विक्टोरियन राइटर्स का आना जाना भी था. फ्रेंड्स, 1895 जब उनकी एज 13 इयर्स की थी, उनको सेटबैक लगा जब उनकी मदर, जिनसे वो बहुत ही ज्यादा अटैच थी, उनकी डेथ हुई. उनकी हाफ सिस्टर या फिर स्टेप सिस्टर, जो कि इनकी मदर लाइक फिगर थी, उनकी भी डेथ हुई. बाद में 1905 में उनके फादर की डेथ हुई, तो उनको बहुत ही बड़ा झटका लगा जिससे वो डिप्रेशन में, सौरों में चली गई. और उनको मेंटल सिकनेस शुरू से ही थी, बचपन से ही उनको मेंटल सिकनेस थी. उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था. बाइपोलर डिसऑर्डर में सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन होता है, तो इनको ये परेशानी मेंटल सिकनेस शुरू से ही थी. बट क्योंकि उनके फैमिली लॉसेस के कारण इनकी ये प्रॉब्लम बढ़ती गई, जिसके कारण उन्होंने 2 बार सुसाइड भी अटेम्प्ट किया एंड उनकी डेथ भी सुसाइड के कारण हुई, ड्राउनिंग के कारण हुई. उन्होंने अपने कोट के पॉकेट में बहुत सारे पत्थर रख लिए और अपने आप को रिवर में बहा दिया, रिवर में डुबो दिया. सो शी डाइड ड्यू टू ड्राउनिंग एज अ सुसाइड. नाउ फादर की डेथ के बाद वो ब्लूम्सबरी में शिफ्ट हो गई. ब्लूम्सबरी नामक एक स्थान पे शिफ्ट हो गई उनकी फैमिली, और ब्लूम्सबरी में ही उन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया जिसका नाम था ब्लूम्सबरी ग्रुप.
फ्रेंड्स, ये ब्लूम्सबरी ग्रुप इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप था जिसके अंदर बहुत सारे राइटर्स थे, पेंटर्स थे, क्रिटिक्स थे, वो इकट्ठे मिलते थे, इकट्ठे स्टडी करते थे एंड अपने आइडियाज शेयर करते थे. सो ब्लूम्सबरी ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे वर्जीनिया वुल्फ, जॉन मेनार्ड केनिस जो कि एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, ईएम फॉस्टर राइटर थे, लिटन स्ट्रैची राइटर थे, लियोनार्ड वुल्फ जो कि एसेस्ट एंड नॉन फिक्शन राइटर थे, वेनेसा बेल जो कि इनकी सिस्टर थी वो वेल नोन पेंटर और आर्ट क्रिटिक भी थी, रॉजर फ्राई वो भी आर्ट क्रिटिक और पेंटर थे. सो ब्लूम्सबरी ग्रुप में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटेलेक्ट्स थे जो आपस में अपने आइडियाज शेयर करते थे. वर्जीनिया वुल्फ ने लियोनार्ड वुल्फ जो कि एक ब्लूम्सबरी ग्रुप के मेंबर भी थे उनसे शादी की और दोनों ने मिलकर एक पब्लिशिंग हाउस खोला. उस पब्लिशिंग हाउस का नाम था होगार्थ प्रिंटिंग प्रेस. वर्जीनिया वुल्फ की बाद में जो राइटिंग्स आई, काफी सारी राइटिंग्स इसी पब्लिशिंग हाउस में पब्लिश भी हुई. फ्रेंड्स, वर्जीनिया वुल्फ ने टोटल 9 नॉवेल्स लिखी. 9 नॉवेल्स में से जो पहली नॉवल उन्होंने लिखी थी 1915 में जो कि द वोएज आउट थी. सेकेंड नॉवल नाइट एंड डे 1922 में पब्लिश हुई. द जैकॉब्स रूम 1922 में. फोर्थ नॉवल उनकी आई मिसेस डेलोवे जो कि 1925 में पब्लिश हुई एंड दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट नॉवल रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ. इसमें इन्होंने एक्सक्लूसिवली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज किया है. टू द लाइट हाउस 1927 में पब्लिश हुई, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल. इसमें भी इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज किया है. मिसेस डेलोवे एंड टू द लाइट हाउस को मैं अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी. सिक्स नॉवल जो थी इनकी थी ऑरलैंडो अ बायोग्राफी. ऑरलैंडो अ बायोग्राफी उनकी नॉवल थी जिसको उन्होंने डेडिकेट किया है अपनी लवर और अपनी फ्रेंड पे. इनकी एक लवर भी थी जो कि एक लेडी थी. उन लवर का नाम था वीटा सैकविल वेस्ट. वीटा सैकविल वेस्ट जो कि इनकी लवर थी, इन पे ये नॉवल डेडिकेटेड है, ऑरलैंडो अ बायोग्राफी. नेक्स्ट सेवेंथ नॉवल है इनकी द वेव्स 1931 में पब्लिश हुई थी और ये एक एक्सपेरिमेंटल नॉवल है. इसके अंदर टोटल 6 कैरेक्टर्स होते हैं और ये 6 कैरेक्टर्स सोलिलॉकीज द्वारा अपनी बात को कहते हैं. 6 कैरेक्टर्स की सोलिलॉकीज इसमें दिखाई गई हैं. एट्थ नॉवल जो कि इनकी लास्ट नॉवल थी अपने लाइफ टाइम में जो पब्लिश हुई थी वो थी द ईयर्स 1936 में पब्लिश हुई. इनकी लास्ट नॉवल थी जो कि इनके लाइफ टाइम में पब्लिश हुई. नेक्स्ट नॉवल है बिटवीन द एक्स जो कि 1941 में पब्लिश हुई, जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ वर्जीनिया वुल्फ. पॉस्टमसली ये पब्लिश हुई और कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि ये इनकी इनकम्प्लीट नॉवल थी. सो टोटल उन्होंने 9 नॉवल्स लिखी जिसमें 8 नॉवल्स उनके लाइफ टाइम में पब्लिश हुई एंड 1 नॉवल उनके डेथ के बाद पब्लिश हुई. फ्रेंड्स, इन्होंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेज भी लिखे जिसमें इंपॉर्टेंट एसेज कुछ हैं रेमिनिसेंसेस जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल एसे है. रेमिनिसेंसेस में इन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया है, इन्होंने अपनी मदर के बारे में बताया है कि कैसे इनकी मदर की डेथ हुई, उनके बारे में इन्होंने बताया है रेमिनिसेंसेस में. ऑटोबायोग्राफिकल एसे है ये. सेकेंड 22 हाइट लास्ट गेट. 22 हाइट लास्ट गेट ये इनका घर का पता है, एड्रेस है. जब इनके फादर जिंदा थे तब इसी एड्रेस में वो रहते थे और इसी एड्रेस को इन्होंने एसे का नाम दिया है 22 हाइट लास्ट गेट. और इसमें उन्होंने कैसे बताया है कि वो फैमिली सेक्सुअली अब्यूज्ड थी. उन्होंने कैसे उन फैमिली में ही सेक्सुअल अब्यूज को सहा है. उन्होंने बताया कि क्योंकि उनको मेंटल सिकनेस की प्रॉब्लम शुरू से ही थी तो कैसे 6 इयर्स की एज में ही उनका जो हाफ ब्रदर था, उनका जो स्टेप ब्रदर था, कैसे उसने उसको सेक्सुअली मोलेस्ट किया था और सेक्सुअली अब्यूज किया था, जिसकी वजह से उन्होंने
हमेशा के लिए मेन से डिस्टेंस मेंटेन करके रखा और वो डर सी गई थी। नेक्स्ट इज अ स्केच ऑफ द पास्ट। स्केच ऑफ द पास्ट उन्होंने ये ऐसे लिखा ब्रेक के लिए, जब वो रॉजर फ्राई जो कि एक आर्ट क्रिटिक और एक पेंटर थे, उन पे बायोग्राफी जब उनकी लिख रही थी, एज अ ब्रेक उन्होंने ये वाली ऐसे लिखा अ स्केच ऑफ द पास्ट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे इज अ रूम ऑफ वंस ओन, जो कि 1929 में पब्लिश हुआ था। ये एक फेमिनिस्ट ऐसे था, ये अ रूम ऑफ वंस ओन वर्जीनिया वुल्फ का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है, जिसको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट इज द थ्री गिनियाज। ये थ्री गिनियाज एक ऐसे था जो कि एक प्रॉपर एक बुक के बराबर था, इसलिए इसको नॉवल ऐसे भी कहा जाता है। और इन्होंने एक प्ले भी लिखा, उस प्ले का नाम था द फ्रेश वाटर, जो कि एक कॉमेडी थी और ये फार्सिकल प्ले था। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स और इनकी लाइफ के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। सो नेक्स्ट वीडियो में इनके कुछ वर्क को ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगी। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। गुड लक।